नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 24 सितंबर। आइए आपको ले चलते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों पे। पूरे राज्य में अब 4 दिन के बजाय 6 दिन बैंक रहेंगे बंद। बैंकिंग से संबंधित अगर कोई भी काम निपटाना हो तो जल्द ही निपटा लीजिए, नहीं तो आपको 6 दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। 26 से 2 अक्टूबर के बीच 6 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। बैंकिंग समेत गैस की किल्लत का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें, चेक क्लियरेंस, RTGS, NEFT सहित ATM सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहने की संभावना है। दरअसल 4 बैंकों के संगठनों ने 26 और 27 सितंबर को कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से बैंकिंग सेवाएं ठप रहेंगी। अगले दिन शनिवार और रविवार होने की वजह से भी बैंक सेवाएं ठप रहेंगी। मुजफ्फरपुर में 5 नए भवनों का होगा शुभारंभ। SKMCH में बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं। 24 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवनिर्मित 5 भवनों का शिलान्यास करने जा रहे हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार SKMCH अस्पताल के AES वार्ड का भी उद्घाटन करेंगे। SKMCH अस्पताल को चमकाने की मुहिम में जुटी मुजफ्फरपुर के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने SKMCH का जायजा लिया, जहां स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि मैं SKMCH में कहीं भी गंदगी नहीं देखना चाहता हूं। बिहार के 3 दिवसीय फोटो वीडियो एक्सपो का हुआ समापन। 3 दिवसीय बिहार फोटो वीडियो एक्सपो का रविवार को समापन हो गया। पटना के ज्ञान भवन में चल रहे इस फोटो वीडियो एक्सपो में तिवारी ट्रेडर्स एवं बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस एक्सपो में प्रसिद्ध मेंटर आशुतोष साहू ने फोटोग्राफरों को फैशन फोटोग्राफी के गुर सिखाए। साथ ही साथ उन्होंने आउटडोर शूटिंग लाइट्स के इस्तेमाल के बारे में बताया। एक्सपो के तीसरे और आखिरी दिन प्रसिद्ध फोटोग्राफर नवीन वत्स मौजूद रहे। नवीन वत्स ने लाइट और शैडो इफेक्ट को बारीकी से समझाया। आयोजित कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों के फोटोग्राफर को भी सम्मानित किया गया। बिहार में जल्द कमर्शियल कोर्ट की स्थापना की जाएगी। कमर्शियल कोर्ट की स्थापना होने से औद्योगिकी विवादों का समाधान करना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि हार्डिंग पार्क के सामने की जमीन रेलवे को उपलब्ध कराया जाएगा और वहां 5 प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा। इसके अलावा बिहार के विकास के लिए केंद्र द्वारा हर संभव सहायता देने का भी आश्वासन दिया है। गंगा के बढ़ते जल स्तर से TMBU कॉलेज की परीक्षा हुई स्थगित। गंगा के बढ़ते जल स्तर की वजह से TMBU परिसर में भी पानी घुसने लगा है। विश्वविद्यालय के लालबाग स्थित 5 पीजी महिला छात्रावास में पानी घुस चुका है, जिसके बाद देर रात से वहां अफरा तफरी का माहौल है। पानी भरने के कारण छात्राओं ने हॉस्टल खाली करना शुरू कर दिया है। इन 5 हॉस्टल में 500 के करीब छात्राएं रहती हैं। छात्राओं ने DSW से मिलकर अपनी परेशानी जाहिर की। छात्राओं ने इसके बाद कुलपति से मिलकर सोमवार से पीजी सेमेस्टर 1 और 2 की परीक्षा होने की भी जानकारी दी, जिसके पश्चात परीक्षा स्थगित कर दी गई है। मतदान के बारे में महिलाओं को किया जाएगा जागरूक। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में DC प्रियंका सोनी ने बताया कि त्योहारों के बीच हो रहे चुनाव में मतदान के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर महिलाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपावली से 6 दिन पहले 21 अक्टूबर को सोमवार के दिन मतदान हो रहा है। होने वाले मतदान में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को घरों से निकालने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हुए जागरूक किया जाएगा। जैसे करवा चौथ के दिन महिलाओं के बीच वोट करवा प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता का आयोजन आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जाएगा। बारिश से अभी नहीं मिलेगी निजात। बिहारवासियों को इतनी जल्दी नहीं मिलेगी मानसून से निजात। इस बार बिहार समेत देश के कई हिस्सों में मानसून देर तक अपनी पैठ जमाए रहेगा। यूं तो सितंबर का आखिरी सप्ताह खत्म होने को है, पर अभी भी मौसम विभाग के अनुसार बारिश के आसार खत्म नहीं हुए हैं। अभी बिहार में बारिश के बादल मंडरा ही रहे हैं, जिसके कारण अभी बारिश से लोगों को निजात मिलना लगभग नामुमकिन है। मौसम विभाग की माने तो इस बार अक्टूबर के मध्य तक मानसून का असर रहेगा। कभी तेज तो कभी हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी। वहीं किसानों के लिए यह खबर शुभ माना जा रहा है। भाजपा नेताओं पर जदयू नेता संजय सिंह ने कसा तंज। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता संजय सिंह ने भाजपा के नेताओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने सहयोगी पार्टी भारतीय जनता दल के बड़बोले नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में बीजेपी के कुछ नेता अनावश्यक बयान देते रहते हैं। ऐसे नेता केवल अपनी सुविधा के लिए बीजेपी जदयू का गठबंधन नहीं चाहते हैं। बिहार के लोग नीतीश कुमार को जानते हैं और बिहार में वोट नीतीश कुमार के नाम पर ही मिलता है। साथ ही साथ संजय सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि बिहार में जदयू भाजपा की जोड़ी अटूट थी और है। खास पत्थर से बने इस मंदिर में पितरों के लिए खुलता है पितृलोक द्वार। पितृपक्ष का मौसम चल रहा है, जहां पितरों का श्रद्धा करने से उनकी आत्मा को मोक्ष मिलता है और साथ ही वह अपना आशीर्वाद अपने परिवार पर बनाए रखते हैं। बिहार के गया में एक ऐसा ही मंदिर स्थापित है, जहां मंदिर में पितरों के लिए खुलता है पितृलोक द्वार। यह मंदिर भगवान विष्णु के पद चिन्हों पर बना है, इसीलिए इस मंदिर को विष्णुपद मंदिर कहा जाता है। यहाँ पितृपक्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं की काफी तादाद में भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर को धर्मशिला नाम से भी जाना जाता है।
बिहार विश्वविद्यालय में लंबित परीक्षाओं का आयोजन हो जल्द। बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को डिग्री के इंतजार में उनकी नौकरी लगने में परेशानी होती है। विश्वविद्यालय द्वारा लेट से रिजल्ट जारी करने पर जब तक डिग्री हाथ आती है नौकरी की उम्र पार करने के करीब पहुंच जाती है। इसी के मद्देनजर राजभवन ने सभी लंबित परीक्षाओं का आयोजन और रिजल्ट का प्रकाशन जून 2020 तक हर हाल में करने का आदेश दिया है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर निशाना साधते भी देखा गया है। चाहे सोशल मीडिया हो या कोई सभा, कहीं भी तेजस्वी नीतीश कुमार पर तंज कसने से नहीं चूकते। एक बार फिर तेजस्वी का यही रूप सामने आया है। नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट के जरिए उनसे पूछा है कि माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बताए कि डबल इंजन वाली सरकार से बिहार को क्या मिला। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की घोषणा का क्या हुआ। भागलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन सोमवार से हुए शुरू। भागलपुर के नाथनगर और बांका के बेलहर में विधानसभा उपचुनाव के नामांकन सोमवार से शुरू हो गए हैं। भागलपुर में डिप्टी कलेक्टर राजेश कुमार झा राजा के कार्यकाल में नाथनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार अपना नामांकन कर सकते हैं। वहीं बांका में नामांकन समाहर नाले में होगा। 10 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन कराने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक है। वहीं 1 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनाव 21 अक्टूबर को होगी और 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाए जा सकते हैं। देश में बढ़ते प्लास्टिक की समस्याओं से निपटने के लिए बिहार सरकार ने अहम फैसला लिया है। बिहार सरकार जल्द ही सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने जा रही है। प्लास्टिक यूज की रोक पर पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोकने के लिए अगले 6 महीने की समय सीमा तय की गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पॉलिथीन उपयोग को रोकने के लिए सरकार नीति बनाकर काम कर रही है। स्मार्ट सिटी के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होगा निर्माण। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सिकंदरपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। यह जानकारी नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने स्टेडियम में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में दी। साथ ही साथ 200 करोड़ की लागत से पंडित नेहरू स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। परिसर को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा। इसके अलावा स्टेडियम एवं उसके आसपास के इलाकों का विकास किया जाएगा। बक्सर में लगातार जल स्तर में हो रही बढ़ोतरी। बिहार के बक्सर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जल स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गंगा के प्रवेश स्थल बक्सर में शनिवार को 10.44 लाख क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा था। वहीं रविवार को यह 11.26 लाख पहुंच गया। जल स्तर में लगातार हो रही वृद्धि इस सीजन की सर्वाधिक वृद्धि है। पिछले दिनों 15,000 से 30,000 क्यूसेक पानी की मात्रा रोजाना बढ़ रही है, पर रविवार को इसमें 82,000 क्यूसेक की वृद्धि हो गई है। 15 वर्ष पुरानी गाड़ियों का फिर से करवाना होगा रजिस्ट्रेशन न्यू मोटर व्हीकल नियम के अंतर्गत। अब 15 वर्ष पुरानी गाड़ियों को फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल वाहन का रजिस्ट्रेशन 15 वर्षों के लिए ही होता है। यदि वाहन के रजिस्ट्रेशन की अवधि पूरी हो गई है तो ग्राहक को उसका फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आवेदक को जितने वर्षों से रजिस्ट्रेशन फेल है उतने अवधि के चलान और अगले 5 वर्षों के रोड टैक्स के साथ आवेदन देना होगा। रजिस्ट्रेशन से पहले MVI वाहन के फिटनेस की जांच करेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों को चलाने पर 5,000 रुपए का चलान देना होगा। बिहार महागठबंधन में आपसी खींचतान हुई शुरू। आगामी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर जहां एक ओर विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी एक दूसरे के खिलाफ नजर आती हैं, वहीं बिहार में महागठबंधन के अंदर ही खींचतान और विरोध शुरू हो चुका है। 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह तो चाहते थे कि 2 सीट मिले, लेकिन 1 सीट पर ही हर हाल में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इस घोषणा के बाद महागठबंधन के भीतर आपसी खींचतान शुरू हो गई है। राजगीर जंगल सफारी अगले साल मार्च से होगी शुरू। बिहार सरकार राजगीर में जंगल सफारी का काम तेजी से करवा रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि अगले साल मार्च में राजगीर जंगल सफारी आम लोगों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ जंगल सफारी बनने से लोग बिहार के अंदर एक नए रोमांच का अनुभव कर पाएंगे। विश्व गैंडा दिवस के मौके पर सुशील कुमार मोदी ने इस बात की घोषणा की। बिहार लोक सेवा आयोग ने बहाल की रिक्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियर के 18 पदों पर भर्ती करने के लिए आवेदन की मांग की है, जिसके लिए योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से BE BTech की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।
वहीं आयु सीमा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 21 और अधिकतम 37 वर्ष। इन पदों पर आवेदन भरने के लिए आवेदन शुल्क श्रेणियों के अनुसार 200 से 750 रुपए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 26 सितंबर 2019 है। इच्छुक अभ्यर्थी www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। वहीं राजस्थान सेवा आयोग ने जूनियर लीगल ऑफिसर पद के लिए 145 पदों पर रिक्तियां बहाल की है। साथ ही गुजरात हाईकोर्ट ने सिविल जज के लिए 68 पदों पर नियुक्तियां बहाल की है। फिल्म सुपर 30 की वैंकूवर स्क्रीनिंग में आनंद कुमार हुए इमोशनल। सुपर 30 कोचिंग के संस्थापक एवं संचालक आनंद कुमार की बायोपिक फिल्म सुपर 30 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन तो किया ही है। हाल ही में फिल्म की वैंकूवर में हुई एक स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान वैंकूवर के दर्शकों ने फिल्म की जमकर सराहना की है। फिल्म को मिले सकारात्मक रिस्पॉन्स से भावुक हुए आनंद कुमार ने कहा कि वो भारत से इतनी दूर सबटाइटल वाली एक हिंदी फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखकर बेहद खुश है। आनंद कुमार खुद अपने भाई प्रणव कुमार के साथ स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने किया अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन का उद्घाटन। बिहार प्रदेश के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने दीप प्रज्वलित कर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले हाजीपुर में स्थानीय और दूसरे राज्यों के साथ साथ कई विभिन्न देशों से आए पत्रकार एवं पत्रकारिता से जुड़े लोगों का स्वागत कर पत्रकार सम्मेलन का उद्घाटन किया। साथ ही पत्रकारों को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारिता जगत से जुड़े बंधु भी स्वच्छ एवं निष्पक्ष पत्रकारिता करने हेतु संकल्पित हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामनाथ विद्रोही ने की। केंद्र सरकार ने बिहार में बढ़ते बाढ़ को देख उठाए ठोस कदम। बाढ़ से जूझ रहे बिहार के कई जिलों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लगाई गई गुहार को सुनकर केंद्र सरकार की पहल पर फरक्का बराज के 109 गेट खोल दिए गए हैं। बता दें कि नीतीश कुमार ने दो दिन पहले बिहार में बाढ़ की समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय से यह गुहार लगाई थी कि फरक्का बराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़ाया जाए। बिहार में गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर को देख अगर फरक्का बराज का गेट नहीं खोला गया तो बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का नीतीश पर निशाना। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब एनडीए को नीतीश कुमार का फेस पसंद नहीं है। उदय नारायण चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह के समर्थन में कहा कि गिरिराज सिंह यूं ही कुछ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बहुत बेचैन और परेशान है क्योंकि अब एनडीए को नीतीश कुमार का चेहरा पसंद नहीं है। बंद कमरे में आरएसएस नेताओं से मिले नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आरएसएस के प्रमुख नेताओं के साथ बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई है। यह मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सहसंपर्क प्रमुख रामलाल और अखिल सहसंपर्क प्रमुख रमेश पप्पा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी ना तो बीजेपी के अधिमान्य नेताओं को थी और ना ही जदयू के नेताओं को। एक बार फिर बिहार में न्यू मोटर व्हीकल अभियान के तहत मेगा जांच शुरू। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत विशेष वाहन जांच अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान 23 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत पटना में 65 टीमें बनाई गई हैं जो 65 जगहों पर वाहन की चेकिंग करेगी। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।